नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोण जिनं वीरं अनंतवर्णान दंशन सहावं ओछामिणियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदं। उन 50 नंबर की गाथा हुई थी और उसके बाद 73 नंबर का श्लोक चलना था। कारण कार्य में 358 निकालो, बहुत ही गजब का श्लोक है। इसमें आचार्य कहते हैं, शुद्ध निश्चय नैसे मुक्ति में तथा संसार में अंतर नहीं है, है ना? उसका हेतु देंगे क्यों नहीं है। ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर, अर्थात परमार्थ वस्तु स्वरूप का विचार करने, विचार अथवा निरूपण करने पर शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष कहते हैं। एक तरफ देखो, मुक्ति और संसार में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? मुक्ति यानी आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था, और संसार में तो निगोद भी आएगा, मैंने संसार यानी आत्मा की पतन की सबसे निकृष्ट दशा जिसको निगोद बोलते हैं, और आत्मा के उत्थान की सबसे उत्कृष्ट दशा जिसे सिद्ध दशा मुक्ति बोलते हैं, ये सामने रखो। और फिर वो कह रहे कि दोनों में शुद्ध निश्चय नए से, मैंने परम स्वभाव को जो नए विषय करता है, शुद्ध स्वभाव की दृष्टि, शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखो तो मुक्ति में और संसार में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो मुक्ति और संसार, ये दोनों पर्याय होने से व्यवहार नहीं का विषय है, और व्यवहार नहीं का विषय है तो ना तो मुझे मुक्ति की संसार की पर्याय का तो आश्रय होता ही नहीं, सच में मुक्ति की पर्याय का भी आश्रय नहीं लिया जाता। तो आश्रय के लिए तो मेरे दोनों बराबर है, कोई भी हो, है ना? तो ये कहकर के वो कहां ले जाना चाहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव जो शुद्धात्म तत्व है, परमार्थ वस्तु स्वरूप, परमार्थ वस्तु स्वरूप, परम अर्थ ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, उस ध्रुव परमात्मा की ओर वो ले जाना चाहते हैं। देखो गुरुदेव का इसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 2-3 पेज का ही है लेकिन बहुत जोरदार है। शुद्ध निश्चय नय से, अब शुद्ध निश्चय नय का मतलब परमार्थ दृष्टि से। शुद्ध निश्चय नय किसको देखता है? परम अर्थ, परमार्थ, परम अर्थ माने उत्कृष्ट अर्थ माने पदार्थ, जो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ भगवान आत्मा है, उस दृष्टि से वस्तु स्वभाव की, त्रिकाल सनातन स्वभाव की दृष्टि से, सनातन सत्य वस्तु जिसमें एक समय की पर्याय भी गौण है। कैसा, कैसी वस्तु है? एक समय की पर्याय। अब पर्याय में मुक्ति है कि संसार है? कहते तो एक समय की पर्याय ही गौण है, आश्रय किसी का भी नहीं होता। त्रिकाल वस्तु, अखंड अभेद पूर्ण वस्तु, अनादि अनंत शुद्ध सनातन एक चीज, और उस संसार अवस्था, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या मतलब? कि उसकी मुक्त अवस्था माने उस वस्तु की मुक्त दशा, वह वस्तु इस सनातन सत्य तत्व की मुक्त दशा और इसकी संसार दशा, सनातन सत्य तत्व की मुक्त दशा और सनातन सत्य तत्व की संसार दशा,
दोनों आगे ना, कि दोनों में दोनों पर्याय नए का विषय क्यों अंतर नहीं है, कि दोनों किस नए का विषय है ये बताओ। तो पर्याय नए का विषय ना, तो दोनों निश्चय नए का विषय तो नहीं हुआ, तो पर्याय नए का विषय। भाई पराय किसी पराय का माल है, वो कचरे का ढेर है कि सोने की कोई चीज पड़ी है। आर्य पुरुष के लिए, नीतिवान पुरुष के लिए उन दोनों में क्या अंतर है? और अंतर करे तो कहते रे बेईमान है, नीतिवान नहीं है, बेईमान है, सीधा बोलो ना। हाँ, क्यों तुझे क्यों उस कचरे में और उस सोने में जो पर तेरा तो नहीं है ना, तो तेरा नहीं है तो फिर वो तेरे लिए तो दोनों समान है। माने न तुझे उसका कचरा तो ग्रहण करना ही नहीं, उसका सोना भी तुझे ग्रहण नहीं करना। आ गया? तो संसार कचरा और मुक्त दशा सोना हो भले ही, लेकिन है पराया। तो इसी तरह ये दोनों त्रिकाली वस्तु से भिन्न है। तो चाहे संसार दशा की परिणति हो और चाहे तो मोक्ष दशा की परिणति हो, ये दोनों व्यवहार नय का विषय है, पर्याय नय का विषय है। व्यवहार नय का विषय दोनों में समान है, मतलब वो भी व्यवहार नय का विषय, वो भी व्यवहार नय का विषय, वो भी पर्याय नय का विषय, वो भी पर्याय नय का विषय, तो विषय दोनों समान हुए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहां निगोद की दशा, इतनी बात कहने के बाद अब उसको थोड़ा देखो कैसे घटित करते हैं, कि कहां निगोद की दशा तो कहां सिद्ध की दशा, विचार तो करो जरा, ये कहने के लिए थोड़ी बात है। कहां निगोद की दशा और कहां सिद्ध की दशा, अपन तो अभी कहां कहां भेद डालते हैं। त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से ज्ञानियों को संसार और मुक्ति में कोई अंतर नजर नहीं आता। सुगानी जी बोलते हैं मोक्ष की पर्याय, मोक्ष से भी मुझे प्रयोजन नहीं, मुक्ति की पर्याय को आना हो तो आए, मुझे तो मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं। क्यों नहीं, किसके बल पर ये बात बोलते हैं वो? कि स्वभाव के बल पर, कि अनादि अनंत जो मुक्त स्वरूप स्वभाव है, उस अनादि अनंत मुक्त स्वरूप के स्वभाव के सामने ये एक समय की मुक्ति क्या कीमत रखती है? और जब एक समय की मुक्ति की कोई कीमत नहीं तो संसार की क्या कीमत होगी, है ना? स्वभाव दृष्टि में आया तब इतना वजन, इतना वजन स्वभाव पर आने पर फिर मुक्ति और संसार की पर्याय में ज्ञानी को अंतर दिखाई नहीं देता, अर्थात दोनों आश्रय करने योग्य नहीं। जिसे हरित काय का त्याग है। अब सब्जी मंडी में आलू लाए कि लौकी लाए, वो सब्जी मंडी से, जिसे हरित काय का त्याग है, दोनों हरित काय है ना, आलू भी हरित काय है और लौकी भी हरित काय है, लेकिन हरित काय का त्याग है उसके लिए, उसके लिए उसके लिए सारी हरी सारी सब्जी मंडी समान है। क्यों? क्योंकि हरित हरित काय खाना ही नहीं है। इसी तरह जब दोनों पर्याय, जब पर्याय मात्र का आश्रय नहीं लेना तो फिर पर्याय में कौन सी पर्याय है, कि मेरे लिए क्या मतलब, मेरे तो दोनों व्यवहार नहीं का विषय आ गया। ये लेना है इसमें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहां निगोद की, कहां सिद्ध की दशा, शुद्ध निश्चय नय से अंतर, शुद्ध निश्चय नय से अंतर की दृष्टि से, अंतर मतलब अंतरंग की दृष्टि से देखें वस्तु स्वभाव सहजात्म स्वरूप, सहज आत्म स्वरूप त्रिकाल, इस दृष्टि से देखें तो, इस दृष्टि से देखें तो, मैंने स्वभाव में खड़ा रह करके मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है ये बात कह रहा है। क्या कहा? स्वभाव में खड़ा रहकर वो ये बात कह रहा है कि मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है, पर्याय में खड़ा रहकर के ये बात नहीं है? जब पर्याय पर्याय की ओर से देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या कहा? पर्याय से पर्याय की तुलना करोगे तो जमीन आसमान का अंतर, कहां निगोद की दशा, कहां सिद्ध की दशा, लेकिन स्वभाव की दृष्टि, बात कौन सी चल रही है यहां पर? तो बात चल रही है स्वभाव की दृष्टि की, स्वभाव की दृष्टि से देखो तो कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का आश्रय लेने योग्य नहीं है, एक त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेने योग्य है। इस दृष्टि से देखें तो मुक्ति में तथा संसार में अंतर नहीं है, ऐसा ही वास्तव में, मैंने किसी को ऐसा लगे कि यह क्या ऐसी गजब बात, तो कह रहे ऐसा ही वास्तव में तत्व विचारने पर,
क्या विचारने पर, कि तत्व विचारने पर, अर्थात वास्तविक ज्ञायक तत्व को विचारने पर, ज्ञायक स्वभाव त्रिकाली शाश्वत चीज को विचारने पर, इतना खुलासा किया। परमार्थ वस्तु स्वरूप का विचार अथवा निरूपण करने पर, निरूपण तो कथन शैली है, परंतु वस्तु के स्वभाव को देखें तो शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष कहते हैं। ये इतनी इतनी बात कौन कहेगा, जिसको शुद्ध तत्व का रस चढ़ा है, जिसका जिसको पर्याय बुद्धि का रस उड़ गया है, पर्याय बुद्धि का रस उड़ा और शुद्ध तत्व का रसिक हुआ, तो वो ये कहता है मुक्ति में और संसार में कोई अंतर नहीं है। आ गया, शुद्ध तत्व के रसिक, द्रव्य स्वभाव के रसिक, शुद्ध तत्व माने क्या, कहते द्रव्य स्वभाव के रसिक, हाँ, ज्ञायक स्वभाव भाव, वह त्रिकाल स्वभाव भाव, कितने नाम देते हैं आत्मा के, ज्ञायक स्वभाव भाव, वह त्रिकाल स्वभाव भाव, उसके रसिक पुरुष मुक्ति और संसार में कोई अंतर नहीं कहते। आ गया, बहुत अद्भुत है बात। तो फिर देखो आगे, ये देखो इसमें, अब इसमें प्रश्न लो श्रोता का, श्रोता अवस्थित अवस्था दृष्टि से या द्रव्य दृष्टि से, किस दृष्टि से, ये अंतर नहीं है तो अवस्था दृष्टि से अंतर नहीं है कि द्रव्य दृष्टि से अंतर नहीं है, किस दृष्टि से नहीं है, तो उत्तर दिया बहुत अच्छा, द्रव्य दृष्टि से, अवस्था दृष्टि से अंतर नहीं है ये नहीं कह रहे, द्रव्य दृष्टि से। आ गया, द्रव्य दृष्टि कहो या निश्चय नय का विषय कहो, शुद्ध निश्चय नय कहो या द्रव्य दृष्टि कहो, आहा, त्रिकाली ज्ञायक भाव की दृष्टि से देखने पर संसार और मुक्ति दोनों पर्याय में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एक समय की पर्याय है और एक समय की होने से अवलंबन का विषय दोनों नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि ना मुक्ति की पर्याय पर होती है और ना संसार की पर्याय पर होती है, उसकी दृष्टि त्रिकाली द्रव्य स्वभाव पर होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों व्यवहार नय का विषय है, अवश्य है, अवश्य। फिर कोई ये कहेगा है ही नहीं व्यवहार नय का विषय, मुक्ति की पर्याय है ही नहीं, संसार की पर्याय है ही नहीं, अरे होती नहीं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये कथन करने की भी कहां आवश्यकता थी। आ गया, परंतु व्यवहार नय का विषय है, इसलिए निश्चय का निश्चय विषय में एक रूप प्रभु सनातन सत्य अनिर्मित माने किसी से बना हुआ नहीं, अनाश माने विनाश नहीं होने से त्रिकाल एक रूप रहने वाला तत्व, और उसकी दृष्टि से देखने पर मुक्ति और संसार दोनों पर्याय है, इसलिए उस पर्याय में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। कोई अंतर दिखाई नहीं देता मतलब सच तो यह है कि दृष्टि के विषय में कोई पर्याय ही दिखाई नहीं देती, तो कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। अब यह बात किस प्रकार बैठे, कहां निगोद का जीव और कहां उस निगोद के जीव में अनंत अनंत जीव बाहर निकलने के नहीं, ऐसे भी जीव अनंत अनंत जीव ऐसे हैं नित्य निगोद में, जो अनादि से लेकर आज तक निकले नहीं तभी तो उसका नाम नित्य निगोद है, और अनंत काल तक निकलेंगे भी नहीं, ऐसे जीव भी हैं निगोद में। आ गया, यहां आ गया तो सब भूल गया, कैसे कैसे दुख सहन किए, कैसी कैसी पीड़ाएं सहन की अनंत अनंत भवों में, तो वो सब यहां आकर के भूल गया है जी। परंतु पर्याय दृष्टि से देखें तो वह निगोद की पर्याय और सिद्ध की पर्याय दोनों व्यवहार नय है। किस नय का विषय है, दोनों का व्यवहार नय का विषय, और व्यवहार नय का विषय जो भी है व्यवहार नय सब ही अवतारित होने से, अभूत असत्य अर्थ को कहने वाला होने से उसका आश्रय नहीं किया जाता। यह है 11 नंबर की गाथा। त्रिकाली ज्ञायक की दृष्टि से देखने पर उस मुक्ति और संसार दोनों में कोई अंतर नहीं है, इतना सचोट बात है, ये बहुत गजब की बात है।
दोनों पर्याय नय का माने व्यवहार नय का विषय। देखो इसके बाद का पैरा देख लो, वस्तु रूप की दृष्टि से देखने पर वस्तु में पर्याय है ही नहीं। त्रिकाली वस्तु की दृष्टि से अगर देखे तो त्रिकाली में कोई पर्याय नहीं, ठीक, त्रिकाली स्वभाव वो पर्याय बिना का है। फिर संसार पर्याय हो, निगोध की अनंत अनंत पर्याय, जो निगोध के असंख्य शरीर और उसके एक शरीर में अनंत में भाग मुक्ति पाए और अनंत अनंत गुणे रह गए, कितने क्या कह रहे हैं इसमें, एक निगोध का शरीर। अब एक निगोध के शरीर में इतने जीव हैं कि तीनों काल के जितने सिद्ध होंगे या तीनों काल के सिद्धों की संख्या, उन एक निगोध शरीर में रहने वाले जीवों के अनंत में भाग है। क्या मतलब इसका कि सिद्धालय में जितने त्रिकाल के सिद्ध हैं, हो गए हैं और होंगे, उनको हैं बोल रहे हैं अपन, ठीक है, उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोध शरीर में, बराबर आ गया। और ऐसे ऐसे कितने निगोध शरीर है आप और हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी, आ गया समझ में है? और उसमें से कितने जीव छट करके निकलते हैं, नक्की तो करो जरा, कितने जीव मोक्ष जाएंगे। कभी संसार खाली नहीं होने वाला है, खाली नहीं होने वाला वो तो ठीक, अज्ञानी संसारी जीवों का बहुमत हमेशा ज्यादा रहने वाला है। चलो मुनि राजों की संख्या की बात करें तो 3 कम 9 करोड़, उसमें छठे गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज आ जाते हैं, ठीक है। सिद्ध की संख्या बता दी, सिद्ध की संख्या एक निगोध शरीर के से जो है ना, उसमें जितने जीव हैं उसके अनंत में भाग, समझ में आ गया, उसके अनंत में भाग भी अनंत होते हैं, हालांकि अनंत का अनंतवा भाग भी अनंत होता है। और ये जो मुनिराजों की संख्या है छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक, ये तो उंगलियों पर गिनने लायक है, 3 कम 9 करोड़ अधिकतम, ठीक है। अब चौथे पांचवें वाले होंगे तो वो भी कितने होंगे, असंख्यात, अनंत वो भी नहीं है, संख्यात नहीं है और अनंत नहीं है, संख्यात नहीं है और अनंत नहीं है, असंख्यात, त्रियंश वगैरह सब ले लो उसमें, समय नार की देव वगैरह सब, चौथे पांचवें नुकसान वाले वो आ गए, मतलब चौथे पांचवें वाले असंख्यात, मुनिराजों की छठे गुणस्थान से लगा के 14वें गुणस्थान तक की अधिकतम संख्या 3 कम 9 करोड़, और ये पूरे विश्व की बात है, भरत क्षेत्र की बात नहीं है, है ना। और सिद्ध भगवान एक निगोध शरीर के अनंत में भाग, पर ज्ञानियों का तो परिवार इतना सा है, है ना, इससे अनंत गुणे जीव तो एक निगोध शरीर में है। और ऐसे ऐसे कितने शरीर हैं कि तीनों लोक ठसा ठस भरा। अब आप सोचो जीवों का कितना थोक है, और उसमें से अपन लोग निकल करके आ गए, उसकी कीमत अपने को नहीं आती, कि कैसी भीड़ में से अपन लोग निकले हैं। जैसे बहुत कंजेस्टेड एरिया हो ना, ट्रैफिक जाम ऐसा हो कि गाड़ी से गाड़ी सटी पड़ी हो, और उसमें से कोई अपनी गाड़ी निकाल के ले जाए, तो अपन क्या कहेंगे, गजब, अपने को उसका क्या, अरे भाई कलाकार है ये, तो कलाकार है, उसका बहुमान आता कि नहीं होगा, गजब, इतनी भीड़ में से अपनी मोटरसाइकिल निकाल के ले गया। तो इसी तरह अपन लगाओ कि कितने जीवों की भीड़, अभी आपको सारी संख्या बता दी, अब इतने जीवों की भीड़ में से अपन लोग निकल करके आ गए, और अपने को अपना ही बहुमान नहीं आता, क्योंकि दुनिया में अपना ही बहुमान काम आएगा, दुनिया में किसी का बहुमान और का काम नहीं आने वाला, अपने को अपना बहुमान काम आने वाला, लेकिन अपने को अपनी महिमा ही नहीं आती। कहते हम इतनी भीड़ में से निकल करके आ गए, तो ये तो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उससे बड़ा काम तब होगा कि जब वापस उसी भीड़ में नहीं चले जाए, निगोद की भीड़ में आ गया, ये कह रहे हैं इसमें। तो देखो अनंत अनंत उन्हें मुक्ति पाए, वह सब पर्याय का अंतर है,
वस्तु स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, इसके लिए दो दो गाथाएं आचार्य देव पहले लिख चुके हैं। वस्तु तो भगवान सनातन सत्य प्रभु है, व्यवहार में अंतर है, वह निश्चय दृष्टि में अंतर नहीं है। ठीक है, निगोद कहां, निगोद और सिद्ध व्यवहार ने अंतर, व्यवहार ने अंतर बात करेगा कहां, निगोद की दशा सिद्ध की दशा व्यवहार ने अंतर करेगा, दोनों व्यवहार ने का विषय, व्यवहार ने का विषय होने पर भी व्यवहार से अंतर करेगा उसमें वो, लेकिन स्वभाव दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। ऐसी दृष्टि हुए बिना पूर्ण सत्य का स्वीकार नहीं हो सकता, यह है मूल दृष्टि। जो जिनागम की जो दृष्टि है वो दृष्टि यह है। आ गया, एक समय की पर्याय दृष्टि चाहे तो मुक्ति है, वह पर्याय है, पर्याय दृष्टि तो एक समय है और यह त्रिकाली चीज है, इस त्रिकाली चीज की अपेक्षा से एक समय की मुक्त पर्याय या एक समय की संसार पर्याय दोनों एक समय है और दोनों व्यवहार ने है, क्योंकि दोनों एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे चलता है ना इनका प्रवाह तो, है ना। और वस्तु तो सनातन अनादि अनंत एक रूप है, इस दृष्टि से देखने पर, इस दृष्टि से देखोगे तो पता लगेगा वस्तु सनातन एक रूप और ये पर्याय एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, रिपीट नहीं होगी और वस्तु वही की वही, वही की वही, वही की वही, वही की वही। आ गया, इस तरह यहां पर ये बात कही। अब इसके बाद ये छोड़ दो, इसके बाद आ गया 50 नंबर की गाथा और बहुत जोरदार गाथा है ये। 50 नंबर की गाथा का विषय क्या है तो कहते हैं, यह हे उपादेय अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है। विषय क्या है, हे उपादेय अथवा त्याग ग्रहण, हे कहो या त्याग कहो, उपादेय कहो या ग्रहण कहो, उसका यह विषय है। और आपने देखा होगा जब हमने नियम सार का शुद्ध भाव अधिकार प्रारंभ किया था तभी 38 नंबर की गाथा में भी यह विषय आया था, यह हे उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। यह कहकर के यानी 38 नंबर की गाथा से जो विषय उन्होंने शुरू किया उसी गाथा उसी विषय को अनेक विवक्षाओं से समझाते हुए 50 नंबर की इस गाथा में उस विषय का आचार्य देव उपसंहार करते हैं। हालांकि अभी 51 से 55 नंबर की गाथा शुद्ध भाव अधिकार में आएगी, लेकिन वो इस बात की गाथा है कि जिसने ऐसे शुद्ध स्वभाव की दृष्टि की तो शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय से परिणित हुआ। तो उस रत्नत्रय का स्वरूप और रत्नत्रय में, क्योंकि उपादान की चर्चा तो कर दी आपने सम्यक दर्शन में, उपादान कौन के त्रिकाली ध्रुव परमात्मा वो उपादान है, तो सम्यक दर्शन में निमित्त कौन है, तो सम्यक दर्शन के कारणों की चर्चा, जिसमें उपादान की चर्चा तो 38 गाथा से 50 नंबर की गाथा तक पूरी आ गई है ना। अभी सम्यक दर्शन में निमित्त कौन, तो उसकी चर्चा भी आचार्य देव को करनी थी, तो उन्होंने वो 51 से 55 नंबर की गाथा में, ये पांच गाथाओं में ये विषय लिया है, बहुत अच्छा विषय है। अब देखो 50 नंबर की गाथा, बहुत जोरदार गाथा। पुवत सयल भावा परदवं परसहावमिदि हेयम् सगदव्यमुवादेयम् अन्ततच्चं हवे अप्पा परिद्राव्य है परे भाव है पूर्वोक्त सारे भाव ही अतएव है वे त्याज अस्त तत्व है आदेय ही। अब ये पूरा पूरे अधिकार का सार, पूर्वोक्त जितनी भी चर्चा आ चुकी पर भाव के संबंध में, कहते कहते हैं पूर्वोक्त मान पूर्वोक्त पूर्वोक्त सकल भावा पूर्वोक्त सर्वभाव। अब सर्वभाव में क्या लिया कि एकमात्र इधर परम पारनामिक भाव को बचा लिया, परम पारनामिक भाव को अलग रख के
जो औपशमिक भाव है, छायिक भाव है, छायोपशमिक भाव है और औदयिक भाव है, यानी जो चर्चा 38 नंबर की गाथा में जीवादि सात तत्वों के रूप से चर्चा शुरू की थी, जीवादि सात तत्व वहां तत्वों में है उपादेय की चर्चा तत्वों के माध्यम से की थी, और वहां पर एक कहा था जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने से उपादेय नहीं है, उसी बात को यहां पर पांच भावों की अपेक्षा करते हैं। आ गया, तो पांच भावों में से पूर्वोक्त सर्वभाव, तो सर्वभाव का मतलब पर्याय रूप सर्वभाव, चार भाव कि वे क्या हैं, तो कहते हैं वे क्या हैं, तो उन्होंने कहा वे पर स्वभाव हैं। क्या शब्द का प्रयोग किया, पर स्वभाव है माने स्व स्वभाव नहीं, और जब पर स्वभाव है तो फिर द्रव्य कौन सा हुआ, स्वद्रव्य हुआ कि परद्रव्य हुआ, तो उन्होंने कहा जब पर स्वभाव है तो वे परद्रव्य है। आ गया, छायिक भाव को परद्रव्य कह रहे हैं, छायिक भाव को पर स्वभाव कह रहे हैं, क्यों पर स्वभाव कह रहे हैं, कि वो त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्वभाव नहीं है, तो जब त्रिकाल एक रूप स्वभाव वो स्व स्वभाव माने वो स्वभाव वो स्वभाव वो स्वद्रव्य, तो उसकी अपेक्षा से ये जितने भी चार भाव हैं कि इन चार भावों को कहेंगे पर स्वभाव और परद्रव्य। ठीक है, तो जब स्वद्रव्य स्व स्वभाव उपादेय है तो परद्रव्य पर स्वभाव क्या हो जाएंगे, हे हो जाएंगे, इसलिए कहा कि इसलिए हे या हैं, हे का मतलब उसका अवलंबन करने योग्य नहीं, हे का मतलब द्वेष करने लायक है ऐसा नहीं, तो हे का मतलब होता है उपेक्षा, उसका अवलंबन छोड़ना, माने हे का मतलब उसके प्रति द्वेष हो जाएगा तो फिर उपादेय उपादेय नहीं होगा, उपादेय के प्रति राग होगा। देखो एक होता है दृष्टि का विषय और एक होता है दृष्टि के विषय का पक्ष, तो दृष्टि के विषय का पक्ष वो राग है, और दृष्टि का विषय दृष्टि में आना वो दृष्टि का विषय वो उपादेय है। आ गया, तो वो यहां पे कह रहे हैं कि इसलिए वो हे ही है, हे का मतलब द्वेष वाचक नहीं है, हे माने उपेक्षा वाचक, माने वो है नहीं है उससे कोई लेना नहीं, इग्नोर करो उसको। आप फिर क्या कहा, अंतः तत्व, जब इधर स्वभाव को अंतः तत्व कहेंगे तो चार भाव को बहिर तत्व कहेंगे, स्वभाव त्रिकाली को स्वभाव कहेंगे तो चार भावों को परभाव कहेंगे, स्वभाव त्रिकाली को स्वद्रव्य कहेंगे तो उसको परद्रव्य कहेंगे, यहां गुणों को स्वद्रव्य कहा, इस गाथा में और विशेषता है, यहां गुणों को स्वद्रव्य कहा और उन गुणों का आधार परंपारनामिक भाव ऐसा लिया इस गाथा में। देखो यह हे उपादेय अथवा त्याग ग्रहण के स्वरूप का कथन है, कि परद्रव्य क्यों कहा, यह सब चर्चा आ चुकी थी, जैसे परद्रव्य से अपनी पर्याय नहीं आती, परद्रव्य के लक्ष्य से विकल्प होता है, परद्रव्य के आश्रय से, परद्रव्य के अवलंबन से, परद्रव्य में अपना अपना मानने से मिथ्या दर्शन होता है, इसी तरह पर्याय रूप चार भावों के आश्रय से नई पर्याय नहीं आती, विकल्प होता है, पर्याय में अपनापन करने का नाम मिथ्या दृष्टि है, तो जो जो काम परद्रव्य से होते हैं वे सब काम पर्याय के आश्रय से होते हैं, इसलिए जैसे परद्रव्य हमारे लिए उपेक्षणीय है इसी तरह हमारे लिए पर्याय भाव भी उपेक्षणीय है, कैसा भी क्यों नहीं हो, पवित्रतम भाव हो और भाव कलंक की प्रचुरता का अपवित्रतम भाव हो, है ना, निगोध जिस भाव से मिले ऐसा तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम हो और सिद्ध दशा का परिणाम हो, सिद्ध दशा माने छायिक भाव की उत्कृष्टता और भाव कलंक की प्रचुरता माने औदयिक भाव की उत्कृष्टता, उससे ज्यादा औदयिक भाव नहीं हो सकता भाव कलंक की प्रचुरता से, और सिद्ध से ज्यादा छायिक भाव नहीं हो सकता। आगे ये इसके बीच के सब, तो यहां से लगा करके सब भाव
देखो सम्यक दर्शन पवित्र है, लेकिन सम्यक दर्शन के पास अगला सम्यक दर्शन देने की ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों? अगले समय वो खुद ही नहीं, उसका जीवन एक समय का है, और जिसका खुद का जीवन एक समय का हो वो दूसरे को जीवन दान दे, ये नहीं होता। आ गया? ये बात इस पे मुख्य रूप से कह रहे हैं। देखो बहुत गजब की बात है, जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं वे पहले उन 50वीं गाथा में व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेय रूप से कही गई थी। आचार्य कहते हमने ही कहा था उन 50 नंबर की गाथाओं में जो भी गुण पर्याय हैं उनको व्यवहार नय के कथन के द्वारा हमने उपादेय पहले कहा था। कौन सी गाथा में? इससे तुरंत पहले की गाथा में। वहां क्यों कहा था? कि उनका ज्ञान करने योग्य है, इस दृष्टि से कहा था। कहा था? आगे क्या कहते हैं? किंतु माने इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपादेय कहा था किंतु तो वहां भी लगा था, समझ में आएगी नहीं आ गया? लेकिन अगली गाथा में वो बात ले रही है, तो इन्हें कहा कही गई थी ये कहकर के उन 50 नंबर के गाथा का पूरा विषय ले लिया और उसके बाद किंतु लगा दिया। बात तो आपकी ठीक है किंतु है? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक नहीं है भाई, क्या मतलब हुआ इसका? आप बात तो आपकी ठीक है लेकिन पंडित टोडरमल जी का परंतु, तुमने कहा सो ठीक परंतु, देवी जब मैंने कहा वो ठीक तो फिर परंतु क्यों लगा रहे हो पंडित जी? टोडरमल जी से प्रश्न करें, ये तो हमने वो ऐसे ही शिष्य ने शंका रखी, तूने कहा सो सत्य परंतु, मतलब क्या? कि हमारी यहां कहने की विवक्षा दूसरी है और जो तू जिस विवक्षा से बात कह रहा है वो विवक्षा दूसरी है, तेरी उस विवक्षा से वो बात सही होगी लेकिन यहां हम जो विवक्षा कहना चाह रहे हैं वो विवक्षा समझो। ये पंडित जी का ये शैली रही है टोडरमल जी की, बहुत मीठी भाषा में अज्ञानी के अज्ञान को नष्ट करने का, मतलब शल्य चिकित्सा की है पंडित टोडरमल जी ने वास्तव में। किंतु शुद्ध निश्चय नय के बल से, अर्थात शुद्ध निश्चय नय से वे हेय हैं। आ गया? अब इतनी बात कही ना, अब देखो इसमें गुरुदेव श्री ने यहां से लिया, आहा 50वीं गाथा जरा कठिन है, शुरुआत ही यहां से की, पहले सीधी उन्होंने गाथा पढ़ी और गाथा पढ़ने के बाद अपनी प्रवचन में सब दिखता है ना, वर्ल्ड टू वर्ल्ड जैसा वो बोले वैसा ही लिखा है इसमें, कुछ भी अपनी बुद्धि नहीं लगाई है। तो प्राकृत गाथा पढ़ी और प्राकृत गाथा पढ़ने के बाद हरि गीत पढ़ा, ये पढ़ते थे वो, तो हरि गीत पढ़ा और हरि गीत पढ़ने के बाद सबसे पहला वाक्य क्या निकला? 50वीं गाथा जरा कठिन है, सख्त है। क्यों सख्त है? कि यहां तो छाईक भाव को भी व्यवहार नय के विषय में ले लिया है, इसीलिए कठिन है। क्यों? क्योंकि अभी तो तू पुण्य और पाप में भेद देखता है और यहां तो हम छाईक भाव को भी व्यवहार नय के विषय में ले रहे हैं। पूर्ण निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, पवित्रतम पर्याय, उसको भी हम व्यवहार नय के विषय में ले रहे हैं, तो ये बात सख्त होगी कि नहीं होगी, कठिन होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं? वो कह रहे हैं पंचम पारिणामिक भाव, जो ज्ञायक भाव, उसकी अपेक्षा से उदय भाव और छायिक भाव दोनों व्यवहार नय का विषय है। उदय भाव कहा तो कौन सा उदय भाव बाकी बच गया, और छायिक भाव कहा तो कौन सा छायिक भाव बाकी बच गया, और उदय भाव से छायिक भाव तक की यात्रा कर लो तो औपशमिक भाव और छेवसम भाव भी आ गया। आ गया? मैंने इधर पकड़ा उदय भाव को और इधर मैंने अशुद्धता में पकड़ा उदय भाव को और शुद्धता में पकड़ा छायिक भाव को। आ गया?
तो औपशमिक भाव शुद्धता के छायिक भाव में गर्भित हो गया और अशुद्धता और शुद्धता दोनों में क्षोभसम भाव गर्भित हो गया। चारों भाव आ गए, आगे नहीं आगे कहने की शैली है। तो वो व्यवहार यहां निश्चय में वह नहीं आता ऐसा सूक्ष्म लोग पूरे दिन रुपए में उलझे होते हैं। एक प्रकार से कहें तो एक ही प्रभु, एक और आत्मा तथा एक और विकल्प और पर्याय, यह सब लोक में अर्थात पर में जाता है। अलिंग, यह अपना अलिंगरण नहीं, अव्यक्त का बोल है ना, छह द्रव्य स्वरूप लोक व्यक्त है, उससे भिन्न भगवान आत्मा अव्यक्त है। आ गया, कसायों का समूह जो भावक भाव वो व्यक्त है, उससे भिन्न भगवान आत्मा अव्यक्त है। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर निमग्न है, ये बहुत सारे बोल हैं ऐसे। आ गया, तो वो यहां पे कह रहे हैं एक इस दृष्टि से एक प्रकार से कहे तो एक और प्रभु आत्मा और दूसरी मैंने एक और गांव और दूसरी ओर एक और राम और दूसरी ओर पूरा गांव। तो छायिक भाव किसमें गया, गांव में गया, इधर एक और आत्मा राम है। जब पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ, युद्ध की रणभेरी बज गई तो दोनों श्री कृष्ण के पास आए, क्योंकि इनकी सहायता के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो जो भी घटनाक्रम लंबा नहीं करते अपन, उसको सीधा सा कि कौरवों ने श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई मेरी मैं सहायता दोनों को करूंगा, लेकिन मेरे ये शर्त रहेगी कि एक और मेरी सेना, उस सेना सारी रहेगी लेकिन मैं नहीं रहूंगा, और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा लेकिन मेरी सेना का एक भी सैनिक नहीं रहेगा। अब बोलो तुम्हें क्या मंजूर है। तो उन मूर्ख कौरवों ने सोचा ये अकेला अकेला चना कौन सी बाढ़ क्या बोलते हैं, तो क्या करेंगे अकेला अकेला चना क्या करेगा। तुमने कहा जी सेना चाहिए हमें तो आपकी, कर ले जा पांडवों से कि नहीं साहब सेना की हमको क्या जरूरत, आप हो तो बस होगी हमारी जीत। तो ठीक है ठीक है। तो इसी तरह एक तरफ औदयिक भाव से लेकर छायिक भाव तक की पूरी सेना है ना, उसका साथ मांगने वाला कौरव होता है वास्तव में। आ गया, मरना निश्चित है उसका, पर्याय बुद्धि हो गई मरेगा। और एक और श्री कृष्ण समान परम पारिणामिक भगवान आत्मा अकेला, कोई सेना साथ नहीं आएगी, मैं अकेला, बोलो मंजूर के मंजूर के मंजूर, तो तेरी जीत निश्चित है, तू मिथ्यात्व को जीतेगा। और वो कि वो मारा जाएगा, पर्याय दृष्टि विनेश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, जिसने द्रव्य दृष्टि की कि वो जिनेश्वर होगा, और जो पर्याय दृष्टि में मग्न है कहते विनेश्वर, ऐसी पर्याय में जाएगा जहां क्षण 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 में पर्याय बदलनी पड़ेगी। आ गया है ना, एक कौरव पांडवों की दृष्टांत से यह बात सिद्ध होती है, एक और गांव और एक और राम, गांव में सब आ गया, ये यहां पे लेना है। एक और एक रूप स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि से तो उसकी पर्याय में भी संसार और मुक्ति दोनों में अंतर नहीं, तो राग प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में अंतर है, ऐसा कुछ है नहीं। तुम तो अभी राग में अंतर पा रहे हो, कौन सी आग में जलना, चंदन की आग में जलना कि नीम की आग में जलना, अब उसका भेद कर रहे हो अभी। अरे ये समझ लो कि चंदन की आग में जलेगा तो भी राख होगी, और नीम की आग में जलेगा तो भी राख होगी, और जलने के बाद होने वाली राख तो कोई नहीं पहचानेगा कि चंदन की थी कि नीम की थी। मरे जा रहे थे, अरे साहब उनको तो चंदन की लकड़ी में जलाया, अच्छी बात है, क्या हुआ उससे, चल चंदन की लकड़ी से जलाया तो उसकी राख कोई सोने की राख बनी होगी उसकी। गुरुदेव श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, उदाहरण तो थोड़ा गंदा लगेगा लेकिन देते थे,
तो कोई सूखी रोटी खाए और कोई मैसूर पाक खाए, लेकिन उसका जो मल बनेगा तुम पहचान सकते हो ये सूखी रोटी का है कि मैसूर पाक का है, ऐसा दृष्टांत देते थे। इतना कड़क तब भी नहीं लगे लोगों को, कहते तुम कौन से, तुम विकार में भेद कर रहे हो, मल मल में भेद कर रहे हो, विकार में भेद कर रहे हो, वो भेद करने लायक है? हाथ छू जाए तो हाथ धोने लायक, विकार में कौन सा भेद? यहां तो छाईक भाव और औदिक भाव में भेद नहीं कर रहे आचार्य देव, और तुम विकार विकार में भेद में लगे हो, ये कह रहे हैं। देखो अभी आ गया ना, हे उपादेय तत्व के स्वरूप की बात आई। देखो जो कोई विभाव गुण पर्याय, कितनी गजब की इसकी व्याख्या है, ये चार भाव, ये वो कारणकारी चल रहा है मेरा ना, वही ले रहा हूं। नारकादि नारकादि उदय भाव, मति ज्ञान आदि क्षोभसम भाव, केवल ज्ञान आदि छायिक भाव, और संकित और क्षोभसम आदि, सब आ गया ना, औदयिक भाव भी आ गया, औपशमिक भाव भी आ गया, क्षोभसम भाव भी आ गया, छायिक भाव भी आ गया, सब वे जो कोई विभाव गुण पर्याय, वे सब विभाव गुण पर्याय हैं। विभाव माने विशेष भाव, विकार नहीं, अकेली मलिनता की बात नहीं कर रहे, परिणमनशील जितना भी भाव है, परिणमनशील रूप जो परिणाम है, क्या तो वो सब के त्रिकाली सहज सनातन सत्य, जिसमें कोई घाल मेल नहीं, जिसमें कोई उपजना विनशना कुछ नहीं, नवी उपजई नवी मरई बंद मोख न करई, परमात्म प्रकाश की 68 नंबर की गाथा में योगिंद्र देव आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, परमार्थ से यह जीव उपजता नहीं, विनसता नहीं, बंद मोक्ष को करता नहीं, ऐसे जीव को तू परमार्थ से जीव जान, अकर्ता जीव को तू परमार्थ से जीव जान, ज्ञाता जीव को तू परमार्थ से जीव जान, उपजता नहीं और विनसता नहीं माने उत्पाद की पर्याय में नहीं आता, और विनसता नहीं माने वे की पर्याय में नहीं जाता, उपजता नहीं और विनसता नहीं। जब उपजता और विनसता नहीं है तो बंद और मोक्ष को नहीं करता, क्यों? क्योंकि बंद को करने के लिए भी उसे उत्पाद रूप होना पड़ेगा, और बंद का अभाव करने के लिए भी वे रूप होना पड़ेगा, मोक्ष को उत्पन्न करने के लिए उत्पाद रूप होना पड़ेगा, और संसार का नाश करने के लिए वे रूप होना पड़ेगा। कहते वो बंद और मोक्ष को भी नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अकर्ता है, और उसको तुम परमार्थ जीव जानो, जहां बंद के अभाव करने की और मोक्ष को करने की बात भी कही गई हो उसको तुम व्यवहार का कथन जानो, उसको तुम व्यवहार जीव जानो, परिणामी जीव जानो। और शुद्ध जीव कैसा है? कि शुद्ध जीव अपरिणामी जीव है, जिसमें कोई परिणाम नहीं, अपरिणामी ध्रुव तत्व वो शुद्ध जीव है, वो यहां पे कह रहे हैं। त्रिकाली सहज सनातन सत्य, जिसमें कोई घाल मेल नहीं, जिसमें कोई उपजना विनशना कुछ नहीं, ऐसी स्थिति में जो कोई विभाव गुण पर्याय हैं, चार ज्ञान के, अरे चार भाव, उदय उपशम क्षोभसम छायिक भाव, वे पहले 49 नंबर की गाथा में व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेय रूप से कही गई थी। जानने के लिए उपादान कहने में आई थी, क्योंकि वे हैं, हैं वे जानने योग्य हैं, आदरने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे 49 नंबर की गाथा में उपादेय रूप से कहने में आई थी। ये बात हो गई थी, उपादेय रूप से कही गई थी, किंतु निश्चय शुद्ध निश्चय नय के बल से, ये शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध निश्चय नय के बल से, तो ये आ गया कि अंतरदृष्टि के बल से ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा शाश्वत टंकोत्कीर्ण ऐसा भगवान त्रिकाली एक रूप स्वभाव, उसकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि से क्या है वे? शुद्ध निश्चय नय की, ये तो है ना, व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेय रूप से कही गई थी, किंतु शुद्ध निश्चय नय की बल से वे है। अब ये नियम सार में आचार्य लिख रहे हैं, त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से है, हैं वे चारों ही भाव है, हैं
यहां तो अभी, अब देखो इसमें जो बात कुछ बातें बतानी है मेरे को, पूरा तो नहीं लेंगे अपन, जितना लेंगे उतना देखेंगे, वे चारों ही भाव हे हैं। यहां तो अभी शुभ राग को हे मानना कठिन पड़ जाता है। दया, दान, व्रत, महाव्रत, भगवान की भक्ति, पूजा, नाम स्मरण, गुण स्मरण, इस राग को हे मानना कठिन पड़ जाता है, है ना। अरे ये तो गुरुदेव के जमाने की बात थी कि इस राग को हे मानना कठिन पड़ जाता है। अभी तो और रास हुआ है जीवों के परिणामों का, तो अभी तो पाप को हे मानना कठिन पड़ जाता है ना। ये उस जमाने की बात थी जब गुरुदेव के साथ में चार चार घंटे, छह छह घंटे लोग स्वाध्याय करते थे। अभी मुश्किल से कितना टाइम हम निकालते हैं अपने अंतर में सोचने की बात है। पाप को हे मानना कठिन पड़ जाता है, 24 घंटे आकंठ पाप में डूबे हुए हैं, है ना। मंदिर में आएंगे तो भी पाप का आयतन साथ में लेके आएंगे, मतलब बजती है ना घंटियां, लेके आओ कोई तकलीफ नहीं, घंटी तो मत बजाओ यहां पर मोबाइल की, निश्चय ही बोलते हैं वहां मंदिर के बाहर, निश्चय ही बोलते हैं, और मोबाइल की घंटियां बजती मंदिर में, समझ गया। इससे ज्यादा पाप कौन सा होगा, जिनवाणी में बोले साधन है ना, जब साधन है तो उसके लिए व्यवस्था भी तो है कि स्विच ऑफ करके आओ, ये करके आओ, वो सब है व्यवस्था, लेकिन नहीं बजेगी। एक दिन नहीं बजे तो मंगलाचरण ही कैसे हो फिर वो स्वाध्याय का, है कि नहीं। हाँ आगे चलो, शेष चर्चा।